नागपुर शहर के पुलिस विभाग ने कुल 125 चोरी या गुम हुए मोबाइल फोन उनके मूल मालिकों को लौटा दिए हैं। कई मामलों में पुलिस को मोबाइल के मालिकों की तलाश करनी पड़ी, जिसके पास शुक्रवार को शहर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार की मौजूदगी में आयोजित एक समारोह में इन सभी को सौंप दिया गया, जिसकी कीमत 37 लाख रुपए है। प्रत्याशित और अप्रत्याशित रूप से नागपुर पुलिस ने इन सभी 125 मोबाइल मालिकों को एक सुखद झटका दिया है, बिना यह सोचे कि मोबाइल फोन चोरी होने के बाद वैसे कब वापस पा सकते हैं। तकनीक के इस युग में मोबाइल सबसे महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभरा है। दिन रात मोबाइल फोन को संभालना, अब मोबाइल के बिना किसी भी काम की कल्पना नहीं की जा सकती है। यह स्वाभाविक ही है कि जब कोई मोबाइल फोन अचानक खो जाता है या चोरी हो जाता है तो मोबाइल मालिक के मन में अक्षम होने की भावना पैदा हो जाती है। एक बार मोबाइल फोन चोरी हो जाने के बाद यह व्यापक रूप से माना जाता है कि इसे कभी वापस नहीं किया जाएगा। जब भी सही मोबाइल चोर के पास तकनीक चली जाने के बाद पुलिस में शिकायत की जाती है तो पुलिस मोबाइल को खोजने के लिए उनमें से एक तकनीक का इस्तेमाल करती है। नागपुर पुलिस ने आज जिन 125 लोगों के मोबाइल फोन लौटा है उनमें से कई ऐसे भी थे जिन्हें पहला मोबाइल फोन चोरी होने के बाद दूसरा मोबाइल फोन नहीं मिल सका। मोबाइल फोन चोरी होने का गम इतना गहरा था कि एक महिला ने 2 दिन से खाना नहीं खाने का भाव व्यक्त किया है। हालांकि उन्होंने अपनी राय व्यक्त की कि खुशी की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि आज मोबाइल फोन अप्रत्याशित रूप से वापस आ गया था। नागपुर शहर जिस तेजी से बढ़ रहा है उससे कई ज्यादा तेजी से साइबर क्राइम हो रहे हैं। इसलिए कुछ महीने पहले नागपुर शहर की पुलिस ने एक साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया जो मोबाइल फोन चोरी, चोरी और बैंक धोखाधड़ी जैसे अपराधों की जांच करता है। 125 मोबाइल फोन जब्त करने के बाद नागपुर शहर की साइबर पुलिस असली मालिकों तक पहुंच गई है। कुछ दिन पहले इस्मा बैंक खाते से 16 लाख रुपए गायब थे, जिसे साइबर पुलिस ने भी बरामद कर लिया है। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा कि बेशक शहर में साइबर अपराध बढ़ रहा है, लेकिन पुलिस व्यवस्था इस पर लगाम लगाने भी सक्षम है। आज 125 लुकाना अंदाजन 37,50,000 से मोबाइल फोन परत करने आलेले आहे। ही अत्यंत चांगली गोष्ट आहे। याचे मागे पण अशा प्रकारचे मोहीम हाती घेण्यात आली होती आणि प्रत्येक झोन स्तरावर पण मुद्देमाल जप्त करणे आणि मुद्देमाल प्रत्यक्ष लोकांपर्यंत परत करणे ही मोहीम हाती घेण्यात आलेली आहे। आज जे लोक इथे मत व्यक्त केलेले आहेत ते अत्यंत पोलीस दलाला आभार मानत आहे। आम्ही त्याचे सहर्ष स्वीकार केलेले आहे आणि आम्ही त्यांना आश्वासन दिलेले आहे की नागपूर शहर पोलीस शहरात जे काही गुन्हेगारी हालचाली होत असतील त्यांना पूर्णपणे नष्ट करण्यासाठी सक्षम आहे आणि अत्यंत जोराने ते काम करत आहे। ज्यांचे जे लोकांचे जे सहकार्य प्राप्त झालेले आहे ते अत्यंत चांगली आहे आणि आम्ही आश्वासन देतो की अशा प्रकारचे काम शहर पोलीस दल पुढच्या काळात पण करत राहणार। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट।